सॉरी फॉर डिस्टरबेंस बेटा, लेट हो गया, थोड़ा ऑफिस का काम आ गया था। 8.3 हमने स्टार्ट की थी और 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिए थे कल, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखते हैं आज, सेम उसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने कल किए थे। यूनिटी मेथड कहता है सबसे पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद हमसे जो वैल्यू निकलवाता है वो वैल्यू निकाल लेंगे। जिसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए ट्रक रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ 194 किलोमीटर, कहता है एक ट्रक है वो टोटल 108 लीटर क्या लेता है, डीजल लेता है कवर करने के लिए 594 किलोमीटर की डिस्टेंस को। अगर उसको 594 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो उसके लिए टोटल हमें 108 लीटर डीजल चाहिएगा। आगे कहता है हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो कहता 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें कितने डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। 594 किलोमीटर के लिए हमें बता दिया, सबसे पहले वही 1 किलोमीटर के लिए निकालेंगे और 1 किलोमीटर का निकालने के बाद 1650 किलोमीटर के लिए निकालेंगे हमें कितने डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात हमें दे रखी है डीजल रिक्वायर टू कवर 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए कितना डीजल चाहिए हमें, 108 लीटर। प्रिंस यादव बेटा अपना माइक बंद रखो, डेली आपकी शिकायत आती है माइक ऑन करने की। फाइव हंड्रेड नाइन्टी फोर किलोमीटर के लिए हमें 108 लीटर डीजल चाहिए, ये बात हमें दी हुई है। उसके बाद निकालेंगे डीजल रिक्वायर टू कवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिएगा। 594 कहां जाएगा, डिवाइड में 108 डिवाइडेड बाय 594, ठीक है ये आ जाएगा। अब हमसे एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल दी कि 1 किलोमीटर के लिए हमें इतना डीजल चाहिए, उसके बाद वो जितने चाहे किलोमीटर के लिए हमसे निकलवा ले, जितने किलोमीटर से निकलवाना होगा निकालना होगा उसी से हम क्या करवा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये कहता है 1650 किलोमीटर के लिए हमें निकालना है तो डीजल रिक्वायर टू कवर 1650 किलोमीटर, तो 108 डिवाइडेड बाय 594 इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 1650 लीटर से। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे, 108 और 594 दोनों को हमने 54 से कैंसिल किया, 54 से जब कैंसिल करते हैं तो 54 टू जा 108 आ जाता है और ये 11 पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 11 से फिर वापस 1650 को कैंसिल करेंगे तो ये 150 पर कैंसिल होगा, ये 150 पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई होकर दोनों की कितनी आ जाएगी, 300 लीटर। मतलब हमें टोटल 300 लीटर क्या चाहिए, डीजल चाहिए, किसको, किसके लिए, 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए।
ठीक है। इसमें बेटा सभी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया क्वेश्चन भी इसका बन सकता है। यहाँ पर हमसे ये पूछ लिया कि इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए, इसका उल्टा ये दे दिया हमें कि 300 लीटर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ये हमसे दे दे कि हमें डीजल वैल्यू दे दी कि डीजल अगर हमारे पास 300 लीटर है तो 300 डीजल में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो सेम उसी तरह से यूनिटी मेथड करेंगे, हमें पता है कि जो 108 है 108 डीजल में कितना होता है 594, और 1 लीटर में कितना होगा 594 डिवाइडेड बाय 108। अब जितने चाहे लीटर में हमसे पूछ ले उतने से इसको मल्टीप्लाई करवा दे, ठीक है। दोनों तरफ से क्वेश्चंस आ सकता है, आपको दोनों तरफ से क्वेश्चंस को तैयार करना है। सेवंथ क्वेश्चन में कहता है ए मैप यूज 3 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 36 किलोमीटर। कहता है जो मैप है वो 3 सेंटीमीटर यूज करता है रिप्रेजेंट करने के लिए 36 किलोमीटर को। यही बात इसमें थोड़ी सी समझने वाली है बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। ऑफ द डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन ए मैप इज 48 सेंटीमीटर। कहता है मैप के ऊपर किन्हीं भी दो सिटीज की डिस्टेंस हमें बताई हुई है 48 सेंटीमीटर है, हाउ मैनी किलोमीटर्स अपार्ट आर द सिटीज, तो वो सिटीज कितने दो होंगी एक दूसरे से। देखो बेटा इसके फर्स्ट लाइन में ही सब कुछ है, फर्स्ट लाइन में कहता है मैप यूज 3 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 36 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम मैप बनाते हैं बेटा, कोई भी मैप बनाते हैं या फिर हम ग्राफ भी आपने बनाए होंगे कि हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हम उनकी वैल्यू लिखते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो हम बताते हैं। मान लो ये किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है, किसी की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, लेकिन पेज के ऊपर तो हम किलोमीटर जितनी डिस्टेंस नहीं बना सकते। जैसे अभी डिस्टेंस हमें दे दी ये किलोमीटर में है, पेज के ऊपर हम किलोमीटर की डिस्टेंस नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करते हैं उसको स्मॉल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने इसको 1 सेंटीमीटर ले लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया, 3 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर को मान लिया 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह से उसको स्मॉल यूनिट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो तब उसको क्या करते हैं उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही कहता है कि जब हम ग्राफ पर किसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर है। जब हमें 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को ग्राफ भी दिखानी होती है तो ग्राफ पे हम उसको सिर्फ 3 सेंटीमीटर पे ही दिखाते हैं कि जो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना ये 36 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। ये बात इसमें दिखाई हुई है, ये इसका ये मतलब होता है, जो ग्राफ पे 3 सेंटीमीटर है, ग्राफ पे 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया एक्चुअल में वो डिस्टेंस है ना वो 36 किलोमीटर। हमें अगर ग्राफ दिखाई हुई है ग्राफ के ऊपर वो 48 सेंटीमीटर में हमें बतानी कि वो होंगे ग्राफ के ऊपर 48 किसी के पास नहीं आवाज, अगर किसी के पास आवाज सही आ रही तो बता दो एक बार माइक ऑन करके। मेरे पास सही आ रही है, नहीं आ रही सही से, मेरे पास भी सही आ रही है। ठीक है बेटा, ओके। तो यांसी बेटा अपनी वीडियो बंद करो, बेटा आपको बहुत बार बता दिए अपनी वीडियो कोई ऑन नहीं करेगा, माइक ऑन आपको तब करना है जब कोई दिक्कत होती है आपको। प्रियांशी सिक्स्थ अल्फा वॉल नंबर 6 लोकेश, बेटा अपना माइक बंद कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो।
सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर हमारे पास स्क्रीन नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आगे बेटा आवाज, अब बताओ। यस सर। अब सही, चलो ठीक है। देखो हमें पता है कि थ्री, ओके बेटा माइक बंद रखो अभी। 3 सेंटीमीटर ऑफ मैप रिप्रेजेंट डिस्टेंस, 3 सेंटीमीटर जो मैप है वो कितनी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, 36 किलोमीटर को। तो जो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 3। थ्री सेंटीमीटर है, 36 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने निकाली, 1 सेंटीमीटर कितनी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, 36/3 किलोमीटर। 36/3 मतलब 12 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, जो मैप के ऊपर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 12 किलोमीटर, एक्चुअल में वो 12 किलोमीटर। देवराज बेटा बहुत टाइम हो गया, अब मैं क्लास से एग्जिट कर दूंगा। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर मतलब एक्चुअल में वो 12 किलोमीटर है। कहता मैप के ऊपर किन्हीं 2 सिटीज की जो डिस्टेंस है वो 48 सेंटीमीटर है, हमें एक्चुअल में उनकी डिस्टेंस बतानी किलोमीटर। मैप के ऊपर बताया हुआ है दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 48 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। 1 की वैल्यू आने के बाद हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 48 सेंटीमीटर की निकालेंगे। 48 सेंटीमीटर ऑफ मैप रिप्रेजेंट करेगा कितनी डिस्टेंस को, 12 × 48, और 12 × 48 का मतलब हो जाता है 576 किलोमीटर को। ठीक है, एक्चुअल में वो कितनी है, 576 किलोमीटर है, मैप के ऊपर हम उसको दिखाएंगे 48 सेंटीमीटर से। यही बात इसमें थोड़ी समझने वाली थी बेटा, बाकी वही यूनिटरी मेथड हमने यूज किया है, सभी क्वेश्चंस में यूनिटरी मेथड से ही होगा ये। इस तरह से भी जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था बेटा, अपोजिट भी हो सकता है, वो ये बता दे कि एक्चुअल में हमारे पास डिस्टेंस है 576 किलोमीटर, तो वो मैप पर हम कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में हमें ये डिस्टेंस दे दे और ये पूछ ले इसको मैप पर कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसका बिल्कुल अपोजिट लेकर चलेंगे। 36 किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 सेंटीमीटर से, 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे 3/36 सेंटीमीटर से, और फिर जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8th क्वेश्चन में कहता है, नवीन अर्न्स रुपीज 15,000 इन 3 मंथ्स। कहता नवीन जो है वो टोटल 15,000 रुपीज अर्न करता है 3 मंथ्स में, 3 महीने में वो टोटल 15,000 रुपए कमाता है। उसके बाद कहता है हाउ मच विल ही अर्न इन 5 मंथ्स, तो कहता वो 5 मंथ्स में कितने पैसे अर्न करेगा, कितने पैसे कमाएगा। 3 मंथ्स का हमें दिया हुआ है कि 3 मंथ्स में जो उसकी टोटल अर्निंग है वो 15,000 है, 5 मंथ्स की हमें निकालनी है।
सबसे पहले वन मंथ की निकालेंगे और वन मंथ की निकाल कर उसको फाइव से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अमाउंट अर्न बाय नवीन इन थ्री मंथ्स 15,000 और अमाउंट अर्न बाय नवीन इन वन मंथ, वन मंथ के लिए 15,000 को थ्री से डिवाइड करवा दिए, वन मंथ की अर्निंग आ गई। इसको चाहो तो आप यहीं पर सिंप्लीफाई करके लिख देना, ये कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। अगर आगे तक सोल्व करना चाहो कर लेना, यहाँ पर डिवाइड करना चाहो यहाँ पर डिवाइड कर देना, डिवाइड होता है तो कितना आ जाएगा ये 5,000 आ जाएगा। वन मंथ की अर्निंग हमें पता लग गई कि वन मंथ की जो अर्निंग होगी वो 5,000 हो गया। अब कहता है टोटल हमें 5 मंथ्स की अर्निंग निकालनी है, तो 5 मंथ्स की अर्निंग कितनी हो जाएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 5,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25,000 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है 3 मंथ्स की है, वहां से हमने 1 मंथ की अर्निंग निकाली और 1 मंथ की अर्निंग निकाल कर उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से, क्योंकि 5 मंथ्स की अर्निंग निकालनी थी। सेकंड वाले पार्ट में कहता है इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न रुपीज 95,000। बिल्कुल पिछले वाले का अपोजिट दे दिया, यहाँ पर हमें मंथ दे दिए थे कितने मंथ्स में उसकी कितनी अर्निंग होगी, यहाँ पर इसने हमें क्या दे दिया नंबर ऑफ रुपीज दे दिए, हमें टोटल रुपए दे दिए कि 95,000 रुपए वो कमाता है, तो 95,000 रुपए कमाने के लिए उसको कितने महीने लगेंगे, कितने मंथ्स में वो 95,000 रुपए कंप्लीट कर लेगा। हमें पता है जो 15,000 की अर्निंग होती है, 15,000 की अर्निंग 3 मंथ्स में होती है, तो 1 रुपए की अर्निंग कितने दिन में होगी, 3/15,000 मंथ्स। 15,000 रुपए की अर्निंग का हमें पता है 15,000 रुपए की अर्निंग 3 मंथ्स में होती है, 1 रुपए की अर्निंग निकालेंगे, 1 रुपए की अर्निंग आ गई 3/15,000 और हमें टोटल 95,000 रुपए की निकालनी है, तो 95 से क्या करवा देंगे इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 30 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 3 × 95/15 इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 5 = 15 ये 5 पर कैंसिल हो गया, 95/5 और 95/5 का मतलब हो गया 19 मंथ्स, टोटल उसको 19 मंथ्स लगेंगे इसकी टोटल अर्निंग करने के लिए 95,000 रुपए की। ठीक है बेटा, कहता है द यील्ड ऑफ वीट फ्रॉम एन एरिया ऑफ 5 हेक्टेयर इज 250 क्विंटल्स, हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड टू यील्ड 200 क्विंटल ऑफ वीट। कहता जो हमारे पास एक खेत है उसमें जो 5 हेक्टेयर का खेत है, 5 हेक्टेयर का एरिया है, 5 हेक्टेयर के एरिया में से हमें टोटल 250 क्विंटल का क्या होता है अर्न होता है, हमारी जो यील्ड होती है वीट की पैदावार होती है, हमारी जो गेहूं की पैदावार होती है वो बेटा नॉर्मल हम क्विंटल्स में लेते हैं, हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें हम क्विंटल्स का यूज करते हैं, पुराने जमाने में क्विंटल्स का यूज करते हैं, क्विंटल्स का मतलब होता है 100 kg। ठीक है, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 kg और नॉर्मल गाँव में भी इसी का यूज करते हैं, क्विंटल का आपने सुना होगा। तो कहता जो 5 हेक्टेयर का एरिया है ना, 5 हेक्टेयर के एरिया में से टोटल 250 क्विंटल की पैदावार होती है गेहूं, ये बात हमें बताई हुई है 5 हेक्टेयर एरिया में से हमें टोटल 250 क्विंटल्स गेहूं मिलता है। कहता है हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड टू यील्ड 200 क्विंटल्स ऑफ वीट। तो कहता है अगर हमें टोटल 200 क्विंटल वीट पैदा करने हो, गेहूं पैदा करने हो, तो उसके लिए हमें कितना एरिया हो चाहिएगा वो हमें निकालना है। 5 हेक्टेयर में हमें बता दिया कि 5 हेक्टेयर के अंदर 250 क्विंटल्स गेहूं होते हैं 5 हेक्टेयर में। कहता है हमें कितना एरिया चाहिएगा अगर हमें 200 क्विंटल ही गेहूं चाहिए, 200 क्विंटल गेहूं हमें पैदा करनी है। ठीक है, हमारी पैदावार हमें बता दी गेहूं की 200 क्विंटल्स है, तो सेम उसी तरह से लेकर चलेंगे, एरिया रिक्वायर टू यील्ड 250 क्विंटल स्वीट इज इक्वल टू 5 हेक्टेयर। 250 क्विंटल्स के लिए कितना एरिया चाहिए हमें, 5 हेक्टेयर चाहिए, तो 1 क्विंटल के लिए निकालेंगे, 1 क्विंटल के लिए कितना आ जाएगा 5/250 हेक्टेयर, 250 से क्या करवा देंगे इसको डिवाइड, 1 क्विंटल के लिए आ गया,
उसके बाद इसने 200 क्विंटल के लिए पूछा है, तो 200 से क्या करवा देंगे इसको, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। यहां से इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो 25 पर हो जाएगा ये, 25 8 जा 200 और 25 10 जा 250, 25 पर दोनों को कैंसिल करवा दें, क्या बच गया 5 × 8 / 10, यहां से फिर से कैंसिल करेंगे 5 × 2 = 10, ये 10 को कैंसिल कर दिया 2 से, और 8 को कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 × 4 = 8, टोटल 4 हेक्टेयर एरिया हमें चाहिएगा 200 क्विंटल गेहूं को पैदावार करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ी सी टर्म्स है ना बेटा, ये डिफिकल्ट है, बस आपको समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। नॉर्मल हमारे पास लैंग्वेज होती है वही हमारे पास है कि 5 हेक्टेयर के एरिया में हमें टोटल 250 क्विंटल गेहूं होते हैं, तो हमें ये निकालने 200 क्विंटल गेहूं को पैदावार करने के लिए हमें कितने हेक्टेयर एरिया की आवश्यकता पड़ेगी, वो कितना हो जाएगा 4 हेक्टेयर एरिया हमें चाहिए, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, और बेटा आपका इस जो हाफ सिलेबस था वो भी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया आपका हाफ सिलेबस। इसको अच्छे से तैयार कर लेना और इसका रिवीजन स्टार्ट करवा देंगे हम मंडे से, और इसमें आपको कल यूनिट टेस्ट होगा आपका जो 8th चैप्टर है उस कंप्लीट का, ठीक है। कल शाम को जैसे आपका नॉर्मल रूटीन यूनिट टेस्ट होता है, 8th चैप्टर का आपका यूनिट टेस्ट होगा, जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसका कंप्लीट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट होगा, अच्छे से तैयारी कर लेना कल शाम को 6:30 PM पर, ठीक है। एक बेटा आपको पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी आप टेस्ट देते हो हमेशा अपना रोल नंबर सेक्शन लिखा करो, क्योंकि आपके नाम की आपकी क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हैं जिनके साथ आपका नाम मैच होता है, और जब नाम मैच हो जाता है और हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा बच्चा है, सेक्शन नहीं डाला हुआ, रोल नंबर नहीं डाला हुआ, तो आप ये नहीं कि एक बच्चे की प्रेजेंट लगा दी, एक बच्चे की एबसेंट दिखा दी, ठीक है, वो फिर या तो दोनों की एबसेंट लगती है, उसमें दोनों बच्चों की, जिसने दिया है उसकी भी एबसेंट, जिसने नहीं दिया उसकी तो एबसेंट है ही है, क्योंकि जब तक रोल नंबर और सेक्शन नहीं डाल रखा पता ही नहीं लगता ये कौन सा बच्चा है, ठीक है। तो जब भी आप खुद का ध्यान रखो, आप अपना रोल नंबर सेक्शन डाल दो, अगर आपने प्रिंस यादव अगर आपने अपना रोल नंबर सेक्शन डाला हुआ है तो दूसरे की अपने आप एबसेंट हो जाएगी, आपकी प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं सभी को पता है कि सब लगभग सभी के नाम मैच हो जाते हैं, क्योंकि अभी 3 सेक्शंस के बच्चे एक साथ कंबाइन है, 6th अल्फा बीटा गामा तीनों के बच्चे कंबाइन है, तो नाम मैच हो जाते हैं आप सभी के, मोस्टली नाम मैच होते ही आपने एक दो स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई भी अपना रोल नंबर सेक्शन नहीं डालता है। अगर जिसका नाम कॉमन नहीं है उसका तो पता लग जाता है कि भाई ये है कसी से 6th अल्फा में है, इसका ये रोल नंबर है। जिसका नाम कॉमन हो गया 6th अल्फा में भी है 6th बीटा में भी है, उसकी फिर दोनों की एब्सेंट लगती है, जिसने दिया है उसकी भी, जिसने टेस्ट नहीं दिया उसकी भी, ठीक है। सभी को पता है अपना नाम कॉमन है, जैसे प्रियांशी है, अमन है, बोल लगभग मोस्टली नाम कॉमन है बेटा, तो आप सभी को ही डालना है, ये नहीं जिसका नाम कॉमन है वही डाले, सभी को अपना रोल नंबर सेक्शन डालना है ध्यान से, ठीक है। और एक बात और, जो आपको सिर्फ एक बार ही टेस्ट ज्वाइन करना है, और टेस्ट में आपको पूरा टाइम लेना है, मैं देखता हूँ कि आप जब टेस्ट देते हो टेस्ट में आपका मुश्किल से जो आप टाइम लेते हो वो 5 मिनट 10 मिनट का ये टाइम लेते हो, सब पता लग जाता है, मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लेते हो आप टेस्ट को करने के लिए, आप पूरा टाइम लिया करो, 30 मिनट्स का टाइम आपके पास होता है, 30 मिनट्स तक आप सबमिट नहीं करते हो तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, लेकिन 30 मिनट्स का टाइम आपके पास होता है, 30 मिनट्स तक उसको अच्छे से कंप्लीट किया करो, ठीक है।
ठीक है बेटा, पूरा कोशिश क्या करो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर ध्यान से करने की। ये नहीं है कि टिक करते गए चलते गए, ऑप्शन टाइप हमारे पास है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, टिक करते गए, नहीं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया करो, सोल्व करके देखा करो, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। पूरा टाइम लिया करो टेस्ट का, ठीक है। कुछ एक बच्चे तो क्या करते हैं, चलो अभी तो थोड़ा काम है फिर बताएंगे, लेकिन पूरा आपको टाइम लेना है, अच्छे से टेस्ट देना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कल टेस्ट होगा शाम को 6:30 बजे, ठीक है। हाय सर। एक ये दो तीन बच्चे हैं वो नए आए हैं। हाँ कल होगा बेटा, संडे को होता है ना मैथ का यूनिट टेस्ट। यस सर। दो तीन बच्चे हैं जो उनका पता है सभी को, जैसे देवराज हो गया, एक लोकेश है, एक महेश है, उसका पता है कि ये बच्चे नए आए, तो वो दिक्कत नहीं है, वो अपना डाल देते हैं विषय। तो वो बच्चे भी देखो नए बच्चे आए, वो अपना डालते हैं साथ कि देवराज न्यू एडमिशन, महेश न्यू एडमिशन, तो उनका सभी को पता भी है इनका न्यू एडमिशन है, उनको शायद अभी सेक्शन अलॉट नहीं हुआ है, तो वो भी अपना रोल नंबर सेक्शन नहीं है, तो ये डाल देते हैं कि न्यू एडमिशन। रोल नंबर आज कल पता चल गया सर, क्लास ले लिया था। ठीक है बेटा, अभी एक मिनट आपको वेट करना है। ओके सर, बाय। हेलो। हाँ बेटा, इसके अलावा कोई आपकी प्रॉब्लम हो, कोई इस चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में जो भी दिक्कत था आप बता सकते हो, कोई आपकी अगर प्रॉब्लम है तो। एट चैप्टर अभी हमने क्या, एट चैप्टर में कोई दिक्कत हो, पीछे की कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, वो अभी सॉल्व करवा दो। यस सर। हाँ बताओ बेटा। बेटा पहले जो आपके पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है ना, उससे थोड़ा दूर हो जाओ आप एक मिनट के लिए। सर वो एट्थ का है ना। एट्थ में कौन सी एक्सरसाइज बेटा? कौन सी एक्सरसाइज का पॉइंट जो अभी चल रही थी ना, अभी अभी आप बोल रहे थे 8.1 का समझा दो। 8.1 का 8. बेटा कंफर्म करो 8.1 या 3? सर 3। 3 का कौन सा क्वेश्चन है? बेटा कशिश सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर लो क्योंकि पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है। बाकी जो प्रॉब्लम है अभी अपनी तैयार कर लो, अभी मैं एक मिनट में समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जब तक अपना माइक बंद कर लो बेटा सभी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ इट हैज रेन 260 millimeter इन द लास्ट 3 days, कहता है लास्ट 3 days में टोटल 276 millimeter क्या होती है, रेनफॉल होता है। 3 days का रेनफॉल हमें दिया हुआ है 276 millimeter।
आगे कहता है हाउ मैनी मिलीमीटर ऑफ रेन विल बी फॉल इन वन फुल वीक, कहता है अगले इसी तरह से एक सप्ताह में कितनी बारिश होगी, कितने मिलीमीटर की रेनफॉल होगी अगर अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यू टू फॉल एट सेम रेट, अगर इसी तरह से बारिश होती गई। हमें 3 डेज की रेनफॉल दे दी है कि 3 डेज में रेनफॉल इतनी होती है 276 मिलीमीटर। वो कहता है अगर इसी तरह से रेनफॉल होती गई तो टोटल एक वीक में, वन वीक में कितनी रेनफॉल हो जाएगी वो हमें निकालनी है। वन फुल वीक का मतलब हो जाता है बेटा 7 डेज, हमें 7 डेज का निकालना है कि 7 डेज में टोटल कितनी रेनफॉल होगी। 3 डेज का हमें दिया हुआ है, 3 डेज में कितनी रेनफॉल होती है, रेनफॉल इन 3 डेज 276 मिलीमीटर। 3 डेज का दिया हुआ, 1 डे का हम निकालेंगे, 1 डे का निकालेंगे तो 276 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 276 डिवाइडेड बाई 3 इसके डिवाइड में आ गया। 1 डे का हमने निकाल लिया कि 1 डे में जो रेनफॉल होती है वो 276 अपॉन 3 मिलीमीटर होती है। 1 डे की वैल्यू आने के बाद हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कहता है वन फुल वीक का निकालना है, वन फुल वीक का मतलब हो गया बेटा 7 डेज का, तो 7 डेज का निकालने के लिए 276 अपॉन 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको कैंसिल करेंगे 276 को 3 से तो 92, और 92 मल्टीप्लाई 7 644 मिलीमीटर, ये आ जाएगी टोटल रेनफॉल 7 डेज में, या फिर बोल सकते हैं वन फुल वीक में। 1 वीक में कितनी हो जाएगी 644 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट तो ये इसमें कि यहाँ पर वन फुल वीक दिया हुआ है, वन फुल वीक का मतलब ये हो गया कि वन फुल वीक का मतलब 7 डे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कहता है इसी तरह से बारिश होती है, हमें सेम तरह से ये नहीं सोचना है कि हो सकता है कल बारिश हो, नहीं हो, या कम हो, ज्यादा हो, लेकिन इस पॉइंट को इसने साफ बता दिया कि अज्यूम दैट, हमें मानकर चलना है द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, जो बारिश है वो कंटिन्यू होती रहती है इसी तरह से, इसी रेट से। ठीक है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हम इसको सिंप्लीफाई करवा देंगे। ठीक है बेटा, कशिश आगे और किसी की कोई प्रॉब्लम है बताओ बेटा। एक हंसिका ने शायद माइक ऑन किया हुआ था। यस सर। हाँ, हो गया बेटा क्लियर पॉइंट। सर 8.3 का, सर 8.3 का क्वेश्चन 6 समझा दो। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अभी करवाया था बेटा। चलो 6 क्वेश्चन में कहता है ये ट्रक रिक्वायर्ड 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। कहता है एक ट्रक जो है उसको टोटल 108 लीटर डीजल हमें चाहिए, उस ट्रक को चाहिए किसके लिए, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर हमें 594 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो उसके लिए हमें 108 लीटर डीजल चाहिएगा, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है। और हमसे पूछता है हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिएगा। 594 किलोमीटर के लिए हमें बता रखा है कि 594 के लिए इतना डीजल चाहिए, हमें 1650 किलोमीटर के लिए निकालना है कि 1650 किलोमीटर के लिए कितना डीजल चाहिएगा। ठीक है, तो वही यूनिटरी मेथड हमारे पास है, उसका यूज करेंगे। डीजल रिक्वायर टू कवर 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर के लिए कितना डीजल चाहिए 108, और 1 किलोमीटर का हम निकालेंगे, 1 किलोमीटर का जब निकालेंगे तो 594 कहाँ जाएगा डिवाइड, 1 किलोमीटर की हमने निकाल ली कि 1 किलो किलोमीटर के लिए हमें 108 अपॉन 500 में निकलवा लें, 1600 मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी कैलकुलेशन।
सानिया, सानिया ने अपना हैंड वेज किया था। सानिया बेटा बताओ। फिर वो तो गलती से हो गया था। ठीक है बेटा, कोई ओ किसी की कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, एक मिनट का टाइम है भी, इसी तो क्लास कभी भी एग्जिट हो सकती है, फिर भी बता दो, अभी शायद हो जाएगा सॉल्व।